नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु ठाकुर एक बार फिर आप सभी के बीच हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में आज जो है नॉमिनेशन डे है। सभी प्रत्याशी एक एक करके आ रहे हैं और अपना नामांकन दाखिल करके जा रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो चुनावी बिगुल है असल तौर पर वो आज ही बजा है। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरकीरत सिंह भुल्लर, निर्दलीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। गुरकीरत, अभी नामांकन में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, चेहरे पर चिंता जो है साफ दिखाई दे रही थी, अब नामांकन हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, नामांकन हो गया है। छात्र छात्राओं से पूरी उम्मीद है, छात्र छात्राएं जो भी चुनेंगे अच्छा ही चुनेंगे अपने हित के लिए। छात्र छात्राओं के लिए जिसने कार्य किया है, छात्र छात्राओं को भी पता है पिछले लंबे समय से कौन उनके बीच था, कौन कार्य कर रहा था, तो इसलिए छात्र छात्राओं से पूरी उम्मीद है वो अच्छा ही चुनेंगे। रुझान कैसा मिला तक? बहुत अच्छा रुझान है, छात्र छात्राओं के बीच से ही हैं तो उन्हें सब साथ के ही हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो इसलिए छात्र छात्राओं में अच्छा रुझान है। आज आपके पास भी और मेरे पास भी, सभी के पास समय का अभाव है, ज़्यादा बातें ना करते हुए एक बात ज़रूर पूछूंगा कि वादे और दावे सभी ने किए हैं, बहुत ज़्यादा वादे और दावे हो गए हैं, अब गारंटी देने की बारी है। ऑन कैमरा क्या क्या गारंटी देने जा रहे हैं कि अगर छात्र छात्राओं ने आपको अध्यक्ष चुना तो क्या कुछ कर देंगे? छात्र छात्राओं के लिए सबसे पहला वादा तो हमारा एजुकेशन का रहेगा। एजुकेशन पर कार्य करेंगे, लाइब्रेरी हो गई, लैब्स हो गई, हमारी जो भी एजुकेशन के लिए हमारा कार्य है वो रहेंगे। उसके बाद ग्राउंड और वॉशरूम, पानी की समस्या है वो तो है ही है, उन पर भी कार्य किया जाएगा। मेन गेट, सभी प्रकार के कार्य किए जाएंगे और यही रहेगा हमारा। और गारंटी ये रहेगी, जब तक ये कार्य, हमारे वादे जो हमने छात्र छात्राओं को किए हैं, जितने भी वादे छात्र छात्राओं को पता है, जब तक वो पूरे नहीं होते कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, यही वादा है। जब तक वादे पूरे नहीं करेंगे कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, अध्यक्ष पद की को लेकर के आश्वस्त नहीं हुआ है? जी जी, छात्र छात्राओं के लिए कार्य किया है तो छात्र छात्राएं अच्छी चलेंगी, हमें पूरी उम्मीद है छात्र छात्राओं से कि वो अपने लिए एक अच्छा प्रत्याशी भी चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ गुरकीरत सिंह भुल्लर, जो कि निर्दलीय अध्यक्ष पद पर दावेदारी कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लूंगा, धन्यवाद।